हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MS एडिटिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पिक्सआर्ट फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। तो गाइस, स्क्रीन पर जो फोटो आपको नजर आ रही है, तो गाइस इस टाइप की फोटो आज हम अपने पिक्सआर्ट में एडिट करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। तो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कम्प्लीटली देखना होगा। तो गाइस, अभी तक आपने MS एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यहाँ पर इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप में शेयर कर देना है। तो गाइज, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, इसके बाद में आपको एड फोटो पे जाना है और आपकी फोटो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है, जिसको आपको यहाँ पर एडिट करना है। तो गाइज, मैं आप फोटो को अपने इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, ये हमारी फोटो है, तो आज हम इसको यहाँ पर एडिट करने वाले हैं। तो गाइज, इतना मैं इस फोटो को यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। तो गाइज, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे इरेजर वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज, इस पर जाना है आपको और इसकी हार्डनेस को फुल कर देना है और साइज़ को आपके अनुसार यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। तो गाइज, जितना टाइम लेके आप यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करोगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होगा और आपकी फोटो यहाँ पे बेटर तरीके से एडिट हो जाएगी। तो गाइज, इस स्टेप से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट तरीके से रिमूव कर लेता हूँ, ताकि हमारा वीडियो यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइज, हमने यहाँ पे अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। तो गाइज, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो यूज करना है, आपको इधर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले आना है। इफेक्ट्स में आने के बाद में गाइज, आपको यहाँ पे लास्ट में कलर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको फोर्थ ऑप्शन कलरवाइज वाले ऑप्शन पर चले आना है। तो गाइज, यहाँ पे आपको जो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइज, मैं यहाँ पे अपने जो कपड़ों का कलर है वो यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे अपने कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, कलर सेलेक्ट करने के बाद में आपको इरेजर वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ से आपको कॉर्नर से इसको सेटिंग को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद में आपको हार्डनेस 100 रखनी है और साइज कप के अनुसार सेट कर देना और आपके यहाँ पे कपड़ों पर कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे कलर पेंट कर लेना है, ताकि यहाँ से आपको कलर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फोटो को वहाँ पे सेट कर दे तो बैकग्राउंड पे एक बार, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है कलर करने में और इतना बेटर तरीके से भी आपका यहाँ पे कलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एजेस आपके यहाँ पे बैकग्राउंड पर कलर शो होने लगेगा। तो कोई आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे कपड़ों पर कलर कर देना है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ, ताकि वीडियो हमारे यहाँ पे थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो गाइज, इस टाइप से आपको यहाँ पे कलर कर लेना और यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में गाइज, अगर आप और भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हो कलर में, तो यहाँ पे जाके आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये कलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में देख सकते हो गाइज, आपके यहाँ पे कोई एजेस में यहाँ पे कलर शो नहीं कर रहा, तो आपको बेटर तरीके से यहाँ पे कलर हो चुका है फोटो पर। तो गाइज, इसको आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइज, जो भी स्टेप हमने यहाँ पे अपने पिक्सआर्ट में कंप्लीट करने थे, वो यहाँ पे पूरे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ में जाके इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो गाइज, अब हम जो भी नेक्स्ट स्टेप हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे फोटो में, वो अपने स्नैपचैट ऐप की मदद से यहाँ पे करेंगे, जिससे फोटो को और बेटर तरीके से हम यहाँ पे एडिट कर सकेंगे। तो गाइज, स्नैपचैट ऐप में इस फोटो को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहला स्टेप, आपको फोटो को यहाँ पर स्नैपचैट में इम्पोर्ट करने के बाद में पेंसिल वाले टूल्स का आपको यूज़ करना है और आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आपको इंक्रीज़ करनी है और शार्पिंग की भी आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है और यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप सेलेक्टिव वाले टूल्स को जाना है, जिससे हम यहाँ पे अपना फेस को थोड़ा यहाँ पे ब्राइट करेंगे। तो आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट को कम करना है यहाँ पे, और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जिससे हमारा फेस थोड़ा रेड कलर की शेडो अपने फेस पर रहे। और स्ट्रक्चर को मैं यहाँ थोड़ा सा आपको कहूँगा कम कर तक, जिससे आपके क्या है कि फेस में स्मूथनेस आपकी बढ़ जाएगी और फेस आपका बेटर तरीके से यहाँ पे ग्लो करेगा। तो वही स्टेप हमको यहाँ पे अपने और एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट है उस पर भी ये स्टेप हमको अप्लाई करना है। ब्राइटनेस बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट कम करना है, सेचुरेशन को भी इंक्रीज करना है और स्ट्रक्चर को यहाँ पे कम कर देंगे। और हम यहाँ पे अपने कपड़े वाले पार्ट पे भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसमें ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और सेचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे हमारे कपड़ों की जो डिटेल्स है वो बेटर तरीके से यहाँ पे शो करेगी। कॉन्ट्रास्ट को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे लो कर रखेंगे हम।
और इसके बाद में जो हमने ब्लैक वाला पार्ट है टी शर्ट का, उस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स बढ़ा देंगे इसकी, तो डिटेल्स को बढ़ा देंगे और इसको भी सेचुरेशन को भी बढ़ा के इनक्रीज़ कर देंगे। और अगर बैकग्राउंड पे भी कोई इंक्रीज़ करना है आपको, तो ब्राइटनेस को आपको कम रखना है और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देना, और यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देना। तो गैस देख सकते हो पिक्सआर्ट और लाइट रूम में, ओ सॉरी, आपको स्नैपचैट में कितना आपके यहाँ पे चेंज हो चुका है। वापस आपको ट्रू इमेज पे जाना है, यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ाना है, सेचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ पे बढ़ाना है, एम्बियंस को आपको थोड़ा सा कम रखना है यहाँ पे, और हाई लाइट को भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम रखना है, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, और वार्म को आपको 0 रखना है वार्म को, और यहाँ से राइट क्लिक कर देना। तो वापस आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ से, और सेलेक्टिव वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है। तो एक बार हम थोड़ा सा फेस को वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्राइट बड़ा करना है, कॉन्ट्रास्ट कम करना है, सेंचुरेशन को हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे अब, और यहाँ से एक बार राइट क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा देख सकते हो कितनी ब्राइटनेस या लाइटनेस आपकी फ़ोटो में यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स करना है, तो डिटेल्स पे चल जाना और थोड़ी सी डिटेल्स बढ़ा देना आपको, और शार्पिंग को भी इंक्रीज़ कर देना। तो शार्पिंग को इंक्रीज़ करने से भी बढ़िया आपकी यहाँ फ़ोटो एडिट हो जाएगी, और स्ट्रक्चर को भी आपको यहाँ पे कर देना, और यहाँ से राइट क्लिक कर देना। तो देख सकते हो गाइज हमारी फ़ोटो यहाँ पे बेटर तरीके से यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो गाइज एक लाइक जरूर कर देना, उस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।